सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हो के वाई ट्यूबर, जहाँ पे आपको कश्मीरी यूट्यूबर्स की न्यूज़ देखने को मिलती है। आज मेरे पास बहुत सारी न्यूज़ है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहे। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कश्मीरी फाइल्स मूवी के बारे में। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि कश्मीरी फाइल्स पे जो है कुछ यूट्यूबर्स ने रिएक्ट किया था, एंड वो मैंने दिखाया भी था, एंड और भी जो है कुछ यूट्यूबर्स ने उस पर रिएक्ट किया, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो है द एमनर लाइव आए थे, उन्होंने द कश्मीरी फाइल्स मूवी के बारे में बात की, तो उन्होंने क्या कहा, आप मेन मेन क्लिप्स देख लीजिए। मैं कुछ मूवी देख रहा था कश्मीर फाइल्स, बिकॉज अगर कुछ ऐसी बात करनी हो, दे कुड हैव शोड इट इन डॉक्यूमेंट्री वे, बट मूवी तभी बनती है ना, बिकॉज दे वांट टू अर्न मनी, और मनी पैसा तब मिलता है जब कुछ वैसा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो। इंडिया की जनता ना इमोशनल है, मतलब इनको जो देखा, इंडिया की जनता ड्रामा सीरियल्स पे रो सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, बस नॉट वॉच इट बाय फॉर द मूवी। बट तुम चाहे कितना भी बैकवर्ड कर लो, लोग देखेंगे मूवी, बिकॉज जैसे अभी मैंने फॉर एग्जाम्पल सुना आहिल से कि ये मूवी इसके बारे में, बट मैं देखना चाहूंगा कि चलो बताओ क्या है, तो दे आर अर्निंग मनी आउट ऑफ इट। एंड मशीरुल हक ने भी इस पे रिएक्ट करते हुए एक स्टोरी रखी थी, तो आप देखिए वो स्टोरी। बॉलीवुड इज नोटिसिंग दैट वक्त बदलता जा रहा है, और 2022 में हम आज सनी देओल को बॉर्डर पे अकेले लड़ते लड़ते दिखाने से इंडिया की आम जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते, तो उनको इमोशनली टॉर्चर करते हैं कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी बना के। एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया की आम जनता जो है वो सच में बेवकूफ़ बन भी रही है, बट वी कश्मीरी पीपल एंड अवर ओन कश्मीरी पंडित ब्रदर्स नो द रियलिटी। बाकी इस फिल्म का मकसद क्या है, मेरे हिसाब से जो कि हमारे साथ हो रहा है, कश्मीर के साथ हो रहा है पिछले कई दहाइयों से, कई डिकेड से, उसको जस्टिफाई मतलब करने की कोशिश हो रही है, एंड साथ साथ अपना भी उसने और कुछ नहीं। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मैं बात करूँ सेठी एक्सप्रेस के बारे में। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि उनका जो है FB पेज हैक हो गया है, एंड आज उन्होंने जो अपने पेज को रिकवर कर लिया, एंड उसके बाद जो एक स्टोरी रखी थी जिसके आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, तो इसके लिए इनको कांग्रेचुलेशन। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जिब्रान के बारे में। तो आप लोगों को पता ही होगा कि रिसेंटली जो है फहीम एंड जिब्रान के बीच में क्या हुआ था। रिसेंटली ये जो है इंस्टाग्राम पे Q&A कर रहे थे, एंड वहाँ पे जो है किसी ने इनसे पूछा था कि आप जो है फहीम व्लॉग्स की वजह से जो है फेमस हुए, तो उनका क्या रिप्लाई था, आप खुद ही सुनिए। फेम किसी की वजह से मिलता नहीं है, वो अपने दम पे खड़ा है, मैं अपने दम पे खड़ा हूँ, इट्स जस्ट हु हेल्पड एंड हु डिडंट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आई एम अदनान के बारे में। तो इनका एक सॉन्ग आने वाला है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, सो लेट्स सी कि हमें ये सॉन्ग कब तक देखने को मिलता है। तो चलिए कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इरफान फारूक ने कंप्लीट कर लिए हैं 3K सब्सक्राइबर्स, एंड कश्मीरी राउंडर्स ने कंप्लीट कर लिए हैं 900K सब्सक्राइबर्स। सो बस यार आज के इस वीडियो में इतनी न्यूज़ मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।